तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। आपको लेकर चल रहे नेपाल सीधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ के मंदिर। भगवान शिव का ये मंदिर कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे हैं इस समय शिव पूजा के लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू से बहुत थोड़ा ही दूर है, उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे ये पशुपतिनाथ मंदिर और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की लिस्ट में इसे जगह दी गई है और कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। गैर हिंदुओं को इसे अगर देखना हो तो बागमती नदी के दूसरे किनारे से वो देख सकते हैं। और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को पंडित के तौर पर इस पशुपतिनाथ मंदिर में रखा जाता है और यहां की शिवरात्रि दुनिया भर में मशहूर है खास तौर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर यहां पहुंचे हैं, एक बार फिर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार नेपाल गए थे उस समय भी वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और आज दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे हैं। खास तौर पर आज जब कर्नाटक में चुनाव है, वोट पड़ रहे हैं, लिंगायत का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गरमाया रहा है और बीजेपी आरोप लगाती रही कि शिव भक्तों को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी लिंगायतों को अलग धर्म का सपना दिखाकर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में होना, शिव पूजा करना, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत हो सकता है। हमारे साथ यहां दो मेहमान हैं, आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और नलिनी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम दोनों से बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा में खासतौर पर पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के चुनाव कनेक्शन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पशुपतिनाथ मंदिर के गलियारे में पहुंच चुके हैं और हमारी सहयोगी गीता मोहन वहां से लाइव जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। बताइए गीता, क्या देख रही हैं आप वहां पर? जी रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका स्वागत ट्रेडिशनल म्यूजिक जिसे कहते हैं नेपाली म्यूजिक के साथ किया जा रहा है। अभी वो अंदर गए हैं कहा जाता है और हमने जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है पशुपतिनाथ ट्रस्ट की उनसे बात की थी प्रदीप ढकाल, जिन्होंने कहा था कि 108 ब्राह्मण अभी साथ बैठेंगे जब नरेंद्र मोदी जी अपनी पूजा करेंगे, पूजा अर्पित करेंगे, तो 108 ब्राह्मण साथ में बैठकर मंत्र पढ़ेंगे और ये एक स्पेशल पूजा होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे यहाँ पर जो सैंक्टम सैंक्टोरम है वहाँ। और उसके बाद पूरे जो मंदिर है पशुपतिनाथ जी का वहाँ पर कई सारे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं रोहित, तो वो उन सारे मंदिरों का दौरा करेंगे और फिर दर्शन करेंगे, कुछ मंदिरों में पूजा भी करेंगे। तो काफी लंबा ये जो प्रोग्राम है काफी लंबा रहेगा। जब वापस बाहर आएंगे तो एक बुक है जिन्हें वो साइन करेंगे अपनी जो अंदर जो एक्सपीरियंस है उसको लिखते हुए कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया अंदर, और एक पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है उसके मॉडल को भेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पहला नहीं, ये इनका दूसरा दौरा है रोहित। कहते हैं यहाँ पर कि जब जब जो हिंदू हैं, कोई भी अगर हिंदू हो तो उसे एक बार पशुपतिनाथ मंदिर जरूर आना चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोले कि ये उनका सौभाग्य है कि एक बार नहीं वो दूसरी बार पशुपतिनाथ मंदिर आ रहे हैं और उनको इस दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कई काफी लंबा ये प्रोग्राम चलेगा जहाँ पर जो गुरु जी हैं इस मंदिर के वो एक स्पेशल पूजा करेंगे और 108 ब्राह्मण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूजा में बैठेंगे और साथ मंत्र पढ़ा जाएगा। जी गीता, आप रहिएगा हमारे साथ, अपने दर्शकों को बता दें कि पिछली बार अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर गए थे और वहां उन्होंने करीब 45 मिनट का समय बिताया था, तब भी उन्होंने पूजा की थी और तब पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने 2500 किलो चंदन की लकड़ी उपहार स्वरूप दी थी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ के चार पुजारी और एक मुख्य पुजारी वो दक्षिण भारत से होते हैं। और नलिनी जी, आप
साथ में बैठी हैं और मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया था कि नेपाल के बारे में अगर कोई चीज़ पूछनी हो, जाननी हो, तो आपसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। मैं समझती हूँ बहुत से लोग जो बता सकते हैं बेहतर, जो खासकर नेपाली जो हैं हमारे भाई बहन। लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि जो पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद मोदी जी गए थे काठमांडू, तो वो सावन का अंतिम सोमवार था जो कि अति शुभ माना जाता है, और उन्होंने फिर सुबह के समय वहाँ अभिषेक की क्रिया हुई थी। काफ़ी देर, आधा घंटा मैं समझती हूँ कि वो जो कई सामग्रियाँ होती हैं उनके साथ में उन्होंने पूजा किया। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने 2500 किलो चंदन भी वहाँ पर अर्पण किया था। और पशुपतिनाथ जी का ये है कि किवाड़ जो है पशुपतिनाथ मंदिर के, वो बहुत ख़ास समय पे खुलते हैं। तो जैसे मुझे ये तजुर्बा है कि जब अगर आप जाएं दिल्ली से, तो आपको होता है कि पहले पशुपतिनाथ जी का एक दर्शन कर लें, कहीं ये ना हो कि काम में फिर आप उलझ जाएं। लेकिन कई बार आपको वहाँ पे इंतज़ार करनी पड़ती है बाहर ड्योढ़ी पे बैठ करके, जब तक किवाड़ खुलेंगे। और विशेष टाइम होता है, अब तो अखबारों में निकलने लगा है, अब तो टेलीविज़न वगैरह में भी, पहले तो ये होता था कि बस आप फिर बैठिए। और ठीक कह रही हैं गीता, वहाँ पर 108 छोटे छोटे लिंग बने हुए हैं, और वहाँ पर वैसे तो लोग परिक्रमा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री के अगर 108 ब्राह्मण वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो माहौल बहुत ही आकर्षक होता है। कई लोग हैं जो कि जो बेशक हिंदू ना भी हों, दूर से भी देखते हों, तो उनको भी उस वक्त माहौल एक विशेष होता है, एक उसमें एक जैसे कोमलता होती है वो होता है। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ है पशुपतिनाथ मंदिर की, कि कोई बड़ा छोटा कुछ भी हो, वो लाइन ही में लगता है। वो अभी प्रधानमंत्री के लिए तो बात मैंने देख रही हूँ लाइनें वाइने नहीं है, लेकिन लाइन में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा वो लाइन ही में लगा रहता है, और कभी कभी दो दो तीन तीन घंटे में लाइन लगती है, इतनी लंबी होती है। और एक और थोड़ी छोटी सी बात है, जो जिसे कहते हैं कि मंदिर के जो अंदर में श्रीलिंग हैं, चार मुख हैं उनके, लेकिन अगर बाहर देखा जाए मंदिर के तुरंत बाहर तो उस वक्त जब तक मैंने पिछली बार देखा था अभी कुछ ही देर पहले, तो जो किंग्स थे वहाँ के, उन्हीं की चांदी में घड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। शायद उन्होंने किसी ने उनको वो वहाँ पे स्थापित किया हुआ है पृथ्वीनारायण शाह के समय से या जो भी, लेकिन वो अभी तक, हालांकि वहाँ पर मॉनार्की हट चुकी है, लेकिन ये तो मूर्तियाँ मैंने देखी हुई हैं वहाँ पर उसके तुरंत बाहर मंदिर के। और ये जो विशेष द्वार है जहाँ पर प्रधानमंत्री, जो आप एक बीच वाली तस्वीर दिखा रहे हैं, जो अब मेरे ख्याल से अब जाएंगे विशेष द्वार से, तो वही है जो मेन द्वार है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं। और कहा यह जाता है कि वहाँ पर मंदिर की एक परिक्रमा करके, दर्शन करके, आप फिर सीढ़ियों पर, इसी द्वार से निकलने के लिए सीढ़ियों पर खड़े होकर के जो त्रिशूल है पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर, उस पर आप 30 सेकंड ज़रूर देखते हैं। हालांकि कभी धूप होती है, कभी आंखें नहीं खुलती हैं इतना देखने, इतनी रोशनी, लेकिन कहा जाता है कि ये फिर आपको याद दिलाता है कि सभी को उधर जाना है, यानी कि ऊपर जाना है, और आकाश को आप देखिए, त्रिशूल के मार्फत आपको ऊपर जाना है। तो ये बहुत सी चीज़ें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं जी। मुक्तिनाथ के दर्शन किए, कल जानकी मंदिर गए थे, आज पशुपतिनाथ के मंदिर में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका शिव भक्त रूप भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर बड़े उस स्थान पर जहां शिव पूजा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो पशुपतिनाथ हो, चाहे वो मुक्तिनाथ हो, सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दो देशों के बीच संबंध सुधारने की यात्रा कहें आलोक जी, उसे तीर्थ यात्रा कहें, क्योंकि ऐसा गीता मोहन बता रही थी कि अभी वो जितने छोटे छोटे वहाँ शिवलिंग बने हैं 108 हैं, अगर सब पर जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी समय चाहिए होगा। और उन्होंने कल ये कहा भी कि मैं तो प्रधान तीर्थ यात्री बन के आया हूँ, एक ही जगह है सर। तो अगर इसको तीर्थ यात्रा कहें, इसको कूटनीतिक यात्रा करें, या फिर इसको चुनावी यात्रा कहें, क्योंकि लड़ाई कर्नाटक में हो रही है शिव भक्तों के नाम को लेकर। देखिए रोहित जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के भी कई बड़े नेता बराबर ये कहते हैं कि वो माने बाकायदा, उन्हें कोई छुपाने की बात भी नहीं है, उनकी धार्मिक आस्था है, और वो यदि
भगवान शिव की आस्था करते हैं। आपने देखे जब वाराणसी से भी उन्होंने चुनाव क्षेत्र चुना तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ माँ ने, गंगा माँ ने बुलाया है। तो उस तरह से वो उसको अपने को धर्म के साथ जोड़े रखने में उन्हें संकोच नहीं होता है। और इसलिए इस यात्रा को यदि आप ये कहें कि इसका एक संदेश उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके मतदाता हैं, उन तक भी यदि जाता है। और अभी आपके आने पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने इन सारे कार्यक्रमों को पहले से नियोजित ढंग से, जैसे हम कहते ना पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं, तो ये सोच करके किस तिथि में कब जा रहे हैं। कल भी उन्होंने आपने ध्यान दिया, वो कहा कि एकादशी है इसलिए मैं जानकी धाम का जो महत्व है उसमें एकादशी के दिन वहाँ जाना तय किया। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम एक दिन में तो तय होते नहीं है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम, सारे इंतजाम, फिर चुनाव की तिथियाँ। चुनाव जैसे ही यहाँ पर प्रचार शांत हुआ, उनके नेपाल का कार्यक्रम तय था। और नेपाल में वो पहले भी रहे, नलिन जी ने पहले भी बताया था कि वो ढाई, हो सकता है कुछ काफ़ी अरसे तक वहाँ रहे भी थे मुक्तिधाम के आसपास। तो वो तीर्थयात्री की तरह यात्राएं पहले भी करते रहे हैं। उनमें एक, जैसे कहते हैं, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज उनकी अपनी है। वो धर्म के प्रति अपनी आस्था है और राजनीति को भी वो एक समाज सेवा के धर्म, वो कहते भी हैं कि मैं तो पूरे समाज की। तो नेपाल के लोगों को जोड़ना, बिहार यूपी की सीमा लगी हुई है, आप जानते हैं गोरखपुर चाहे कहिए, रक्सोल कहिए, उन सब इलाकों से नेपाल की सीमा जुड़ी है। तो केवल कर्नाटक का चुनाव न कहें, इसे आने वाले चुनावों के लिए भी उत्तर भारत में उसका एक मैसेज रहता है भगवान शिव। और खास करके यहाँ तो इतना लिंगायत वाला विवाद जो सीतारामैया जी ने शुरू किया कि एक उसको अलग धर्म मान लिया जाए, उसको भी एकजुट, और इसलिए जहाँ जातिगत लिंगायत, बोका लिंगा, दलित, इन सब मुद्दों को लेकर के भाजपा ने जो मुद्दा बनाया कि हम तो सारा हिंदू समाज हमारे साथ रहे, ताकि ये जो वोट बढ़ते हैं उसको कैसे इकट्ठा कर सके। तो मोदी जी कोई कोशिश जो भी कर रहे हैं, अच्छा नेपाल के साथ भी चीन जितनी तरह से खिंच गया, काठमांडू शहर में हो सकता है हमारी कूटनीतिक गलती हो। पहले एक बार कर्नाटक पे ही थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि एक चीज कल से देखिए प्रचार शुरू हो गया उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से कहिए, या उनके जो अनऑफिशियल सैनिक हैं उनकी तरफ से कहिए कि देखिए हमारे नेता तो चुनाव के दौरान ही मंदिर नहीं जाते, केवल प्रचार खत्म होने के बाद भी वो मंदिर जाते हैं, इसलिए देखिए प्रचार खत्म होने के अगले ही दिन आपको मंदिर में दिख रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि वोटिंग के दिन भी एक तरह से वो प्रचार ही कर रहे हैं। रोहित, अब हम कब कहाँ तक छुपाएं कि हमारे नेता बहुत बहुत चीज़ें करते हैं जो कि करते हैं कुछ, और उसके पीछे में कहानी कुछ और होती है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, अगर नेता बिना टेलीविजन कैमरा के जाएं मंदिर तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि हम आस्था से जाते हैं। हम लोग जो जाते हैं मंदिर तो हमारे साथ तो टीवी कैमरा होते नहीं है, सिर्फ हमारी आस्था होती है। लेकिन ये आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बहुत शीर्ष नेता हैं तो उनके साथ स्वाभाविक है जाना, लेकिन कभी कभार ये भी कह सकते हैं कि नहीं ये मेरी प्राइवेट विजिट है, इसमें मत जाइए। तो ये तो हमारे नेता करते नहीं किसी भी पार्टी के, मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कह रही, किसी की पार्टी में वो कहते हैं चलिए टीवी भी चलेगा, हम भी चलेंगे और जाएंगे देवता के पास। तो देखिए ये तो हम अब मान के चलें कि जब ये जाते हैं मंदिर ज़रूर परमात्मा को ये याद करते होंगे, लेकिन साथ में ये भी याद करते हैं कि हम किस मुद्रा में खड़े हैं, जो कि हमारी जो एक मैसेज जा रहा है वो क्या मैसेज जा रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई दी, कीर्तन चल रहा था, वो झाल बजाने लगे बैठकर वहाँ पर, ये आपको लगता है ये मैसेज देने के लिए है या फिर वाकई जो उनके अंदर का एक भक्त है वो जाग जाता है ऐसी जगह पे जाकर, वो सामान्य हो जाते हैं? जी, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री ने प्रक्रिया उनके प्रक्रिया उन्होंने बहुत देर से अपने अंदर में उनके समाई हुई है। हम में से भी कईयों में होती है, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप फिर उसी तरह की करने लगते हैं जो आपको पुरानी चीज़ें याद होती हैं, मंत्र भी आप जाप करने लगते हैं जो कि आप बाहर नहीं करते। तो मैं तो ये देखती हूँ, मैंने देखा था कल आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं जनकपुर में जो सीता धाम है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो बजा रहे हैं ये मैंने कई बार देखा हुआ है, बाकी कई मंदिरों में भी लोग करते हैं। तो शायद प्रधानमंत्री को ये चीज़ उन्होंने सीखी हुई है या उनके अंदर समाई हुई है, क्योंकि उन्होंने कितने साल इस चीज़ की कहे एक किस्म से ये चीज़ अपनाई हुई है, तो इसी वजह से। लेकिन ये ज़रूर बीच में हमने जनकपुर की आपने तस्वीरें दिखाने, तो ये ज़रूर थोड़ा कह देने की बात है कि सीता जी का जन्म वो घड़े में हुआ था, वो सीतामढ़ी हमारे बिहार में वो मिली थी उनके जो, तो क्योंकि जनक जी का वो राज था
तो फिर जनक जी ने उनको इसलिए उनका मायका उसे कहा है, मान्यता है जहां पालन पोषण हुआ सीता। हाँ, मायका तो जरूर। चलिए इस पर और विस्तार से बात करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या है? नेपाल जाना तो स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर हैं, आज पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे, लेकिन उसके पहले दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुक्तिनाथ मंदिर में देखिए, उन्होंने आज सुबह ढोल बजाया, और कल जानकी मंदिर में जब कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, तो वहां उन्होंने झाल बजाया आरती के दौरान, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें। तो ये थी आज सुबह की तस्वीर और कल की तस्वीर। अभी पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें बाकी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए आज तक के साथ, साथ ही मिलता रहेगा आपको कर्नाटक का अपडेट भी लगातार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।